हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक है सब? आज हम लोग चालू कर रहे हैं टर्म सिंबल। ठीक है, इससे पहले देखे थे माइक्रो स्टेट्स देखे थे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उससे पहले वाला वीडियो हम जा करके देख लीजिए, समझ आ जाएगा। ठीक है, और कुछ डाउट होगा तो फिर कमेंट करिए। ठीक है, तो फिर आज देखते हैं हम लोग क्या टर्म सिंबल। ठीक है, अब टर्म सिंबल क्या है भाई? ये क्या है? माइक्रो स्टेट्स ऐसे होता है। ठीक है, ये कभी कभी एक या कभी कभी दो या ऐसे तीन तीन या ऐसे डिजेनरेट फॉर्म में भी रहता है कभी कभी। ठीक है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिजेनरेट माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, तो डिजनरेट माइक्रो स्टेट को ही क्या बोलते हैं? टर्म। इसी को क्या बोलते हैं भाई? टर्म। ठीक है, अब हम लोग इसमें जनरली देखेंगे क्या, इस लास्ट वाले टर्म को, जिसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट टर्म। ठीक है, इसी ग्राउंड स्टेट टर्म को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसी को बोलते हैं टर्म सिंबल, या क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ठीक है, इसी को क्या निकालना है? हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, इसको निकालते जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया टर्म क्या है, ये टर्म सिंबल क्या है। ठीक है, इसमें स्टेप बाय स्टेप सब चीज को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का टर्म सिंबल निकालने से पहले, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले। ठीक है, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? उसके बाद निकालते हैं ए से कपलिंग। उसके बाद क्या निकालते हैं? एरियल कपलिंग। इसके बाद निकालते हैं हम लोग एलएस कपलिंग। इसी को क्या बोलते हैं? जे कपलिंग। इतना हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप निकालते जाएंगे, तो निकल जाएगा क्या? टर्म सिंबल। ठीक है, तो देखते जाते हैं लाइव। ठीक है, तो सबसे पहले इसको शो कैसे करते हैं? ग्राउंड ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को कैसे शो करते हैं भाई? ठीक है, यहां पे होता है एल, इधर होता है जे, इधर होता है क्या? स्पिन मल्टीप्लीसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है यहाँ पे। ठीक है, या तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग? एल इधर जे, टू एस प्लस वन, या तो इधर जे एन प्लस वन। ठीक है, इतने प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को। तो सबको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले देखते हैं एसएस कपलिंग। इजी भाई, हो जाएगा सबसे। ठीक है, टर्म सिंबल बहुत इजी टॉपिक है, उतना कठिन नहीं है, बस लगता नया है। ठीक है, सब कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। आता है एक दो क्वेश्चन आ भी जाता है इसमें से। ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी, बहुत सारे यूज होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो एसएस कपलिंग, एसएस कपलिंग मतलब, अब मान ले एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं ये एक्चुअल में है क्या भाई। रिजल्टेंट ऑफ स्पिन स्पिन एंगुलर मोमेंट
क्वांटम नंबर, ठीक है। ये रिजल्टिंग मतलब कैपिटल ए लिंग, कैपिटल एस लेंगे, ठीक है, और स्मॉल एस को पूरा जोड़ देंगे, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, पहला पी थ्री, पी थ्री मतलब पी कक्षक है जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं एस वन, इसको मान लेते हैं एस टू, इसको मान लेते हैं एस थ्री। सबका स्पिन क्लॉकवाइज है क्या? क्लॉकवाइज है अगर तो प्लस वन बाई टू प्लस हाफ, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ, ठीक है भाई, सो जानते हैं बचपन से पढ़े हैं, ठीक है। तो इसके क्या होगा, प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। इसका क्या होगा, प्लस हाफ सबका इलेक्ट्रॉन का रोटेशन का वैल्यू होगा क्या, प्लस हाफ, ठीक है, स्पिन का वैल्यू होगा, ठीक है। तो उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगा भाई, थ्री बाई टू आएगा क्या, ठीक है। तो ये हो गया, एक तरीके से निकाल लिए इसको, ठीक है, थ्री बाई टू निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या दूसरा एग्जांपल, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, अब मैं ऐसे ऐसे चार पांच बहुत सारे एग्जांपल कर देते हैं, बहुत सारे एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोग भी करोगे मैं भी कर लूंगा, ठीक है। एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, कोई कौन सा ले, कौन सा लेते हैं, डी फोर लेते हैं, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें से सब चीज को निकालना पड़ेगा, टू एस प्लस वन है इधर जो है, तो सबको निकालना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। तो अभी इसको निकाल रहे हैं, ए इसको निकाल रहे हैं, फिर ये निकल जाएगा, ठीक है। डी फोर मतलब चार इलेक्ट्रॉन है अपने पास, ठीक है, तो एस वन एस टू एस थ्री एस फोर होगा क्या, मतलब प्लस हाफ कितना आ जाएगा भाई, प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ, एक दो तीन चार, कितना हो गया, दो आ गया, हो जाएगा सब, हो जाएगा। अब देखते हैं एलएल कपलिंग, ठीक है। अब दूसरा एलएल कपलिंग, ये क्या है, बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो इसमें क्या क्या करेंगे, कैपिटल एल निकालना है अपने को, तो इसको कैसे लेते हैं भाई, एम एल वन प्लस एम एल टू एम एल थ्री एम एल फोर, ऐसे ऐसे लेते जाएंगे। एल का वैल्यू जो है, ठीक है, सभी ऑर्बिटल के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल के लिए जीरो होता है, एल का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। पी ऑर्बिटल है, इसके लिए तीन एल का वैल्यू होगा, प्लस वन जीरो माइनस वन, ठीक है। एल डी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो उसके लिए इसके लिए एल का वैल्यू कैसे होगा, प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू, ठीक है। अगर ए ऑर्बिटल है
यदि ऑक्टाहेड्रल फील्ड है मतलब डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है ना उसमें, ऐसे भी क्वेश्चन आता है भाई, ऐसे मानते हैं। यदि टेट्राहेड्रल फील्ड है इसको कैसे मानेंगे, प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन, ठीक है इतना हो गया। अब यदि किसी भी ऑर्बिटल का एन का वैल्यू जीरो आ गया, वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया, फोर आ गया, फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है, तो सिंबल क्या बनेगा इसके लिए, एस पी एफ जी एच आई जे की जगह के, क्योंकि जे उसमें रहता है भाई पहले से, ठीक है, टर्म सिंबल में ऑलरेडी जे रहता है इसलिए यहाँ पे भी जे नहीं रख सकते, इसलिए आई लेते हैं फिर आगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या, इसको याद रखना बहुत जरूरी भाई, इसको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या एग्जांपल, एग्जांपल देख लेते हैं पी टू, ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं कर देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। पी टू है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका क्या होता है, प्लस वन जीरो माइनस वन, ठीक है, एक का वैल्यू है ये, ठीक है क्या, ठीक है, तो जोड़ दो, दो ठो इलेक्ट्रॉन बस है, प्लस वन प्लस जीरो कितना हो गया वन, तो एल का वैल्यू क्या आ गया वन, तो एल का वैल्यू अगर वन आ गया तो क्या आता है, सिंबल पी आता है, ठीक है भाई, सिंबल क्या आ गया पी आ गया। अब एग्जांपल लेते हैं दूसरा, वो लेते हैं डी फोर, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन है, इसका प्लस टू होता है, प्लस वन होता है, जीरो होता है, माइनस वन होता है, माइनस टू होता है, तो सबको जोड़ दो, जितना जिसके जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो उसको जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस वन प्लस जीरो माइनस वन इतना हो गया, तो कितना आ जाएगा टू, मतलब डी, डी टर्म आ गया, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल दे देता हूँ, एग्जाम्पल आप लोग करके देखिए, ठीक है। अब देखते हैं भाई, हेलिक्स कपलिंग, ठीक है, जिसमें क्या निकालेंगे, जे वैल्यू निकालेंगे, इसमें क्या निकालते हैं भाई, रिजल्टेंट ऑफ टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर एल प्लस एस से लेकर एल माइनस एस तक, ठीक है, इससे क्या निकलता है जे का वैल्यू, एग्जांपल में देखते हैं भाई, सबसे पहले पी टू वही पुराना होगा, ठीक है भाई, एग्जांपल लेते हैं क्या पी टू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इतना रहता है उसमें दो, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, दो गया। अब इसमें पहले सबसे पहले निकालते हैं एल का वैल्यू, ठीक है, कितना, प्लस वन जीरो प्लस जीरो तो कितना हो गया वन, ठीक है। अब निकालते हैं एस का वैल्यू, फिर तभी तो एल एस का जरूरत पड़ेगा अपने को, ठीक है, एल इज इक्वल टू वन है तो, ठीक है, उसको तो खैर टर्म को देख लेंगे, पी है ये पी टर्म है, ठीक है, एस का वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू प्लस वन प्लस हाफ, मतलब प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू, मतलब हाफ हाफ वन हो गया, ठीक है, कितना गया वन। अब एल प्लस एस से लेकर एल माइनस एस तक,
एल प्लस एस मतलब 1+1 से लेकर 1-1 तक, इसका कितना आ गया 2, इधर कितना आ गया 0, ठीक है। तो 0 भी ले सकते हैं, जे का वैल्यू कितना आ गया 2, 2 जे वैल्यू आया, तो आया 2, 1 तो आया 0। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन हाफ से कम है अगर, ठीक है, तब क्या लेंगे इसमें 0 जे लेंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन हाफ से ज्यादा हो जाता, ठीक है, ऐसे ज्यादा हो जाता तो क्या लेते जे का वैल्यू 2 लेते, ठीक है भाई। जे का वैल्यू ऐसे डिसाइड करते हैं, अगर हाफ फिल्डस कम है तो लोएस्ट जे वैल्यू लेते हैं, हाफ फिल्डस ज्यादा है तो हाईएस्ट जे वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे अपन, जे का वैल्यू डिसाइड करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं अपन टर्म सिंबल का कैलकुलेशन, ठीक है। ये हो गया जी, इससे पहले देखिए अब क्वेश्चन है भी अपने पास, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, एल का वैल्यू कितना गया 1, 0, -1, तो कितना गया सबको जोड़ दो, नहीं ये नहीं आएगा, सिर्फ 0 बस आएगा, कितना आएगा आंसर 1। एस का वैल्यू कितना गया +1/2, ++1/2 कितना गया 1, ठीक है, अभी निकाला था इसको। क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है अपने को टर्म सिंबल निकालने के लिए, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा अपने को, एस का वैल्यू, एल का वैल्यू, जे का वैल्यू, ठीक है। तो पहले निकालें एल का वैल्यू, फिर एस का, फिर टू एस प्लस वन ले लेते हैं, इसकी मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा भाई 3 आ गया, ठीक है। अब जे का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो एल प्लस एस लेकर एल माइनस एस तक, ठीक है। तो एल का वैल्यू कितना है 1+1 लेकर 1-1 तक, इसका आगे 0, इसका आगे 2, कौन सा वाला लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। सबका वैल्यू निकल गया, ठीक है, ठीक है। इसको टर्म लेंगे ना इसका, तो टर्म आएगा P, ठीक है। तो क्या आ गया टर्म सिंबल पी, और जे का वैल्यू 0 और 2s+1 का वैल्यू 3, तो ये आ गया अपना, ये क्या आ गया अपना ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है भाई, आ गया इतना समझ आया, देख लो बाकी एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा हो गया इतना, एक एग्जांपल और बताता हूँ, एग्जांपल दूसरा इसमें लेते हैं D7 ले लेते हैं, ठीक है। ये कितने 7 इलेक्ट्रॉन दिख गया, एस का वैल्यू पहले निकालो, ठीक है। तो एस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, +1/2 ले लेंगे सबका, +1/2 इसका, -1/2 इसका, +1/2 इसका, -1/2 इसका, +1/2 इसका, +1/2 इसका, +1/2, ठीक है, हो गया 7, 7 इलेक्ट्रॉन का ये कर जाएगा, घट जाएगा, बच गया कितना 3/2, ठीक है। एक तो ये फार्मूला हो गया, दूसरा इसमें एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्या एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं भाई, n/2 वाला, जिसमें n क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो n/2 करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो 3/2 आ गया डायरेक्ट, ठीक है भाई ये, ठीक है। अब निकालते हैं क्या, अब इसमें क्या निकालते हैं, एल का वैल्यू निकालते हैं, एल का वैल्यू कितना आएगा +2+1, 0, -1, -2, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, 4, 2, 0, ठीक है, और ये -1 और ये -2, तो कितना हो गया 2, 2, -3 घटा देंगे 6 में, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा भाई, ठीक है। 3 आ गया, क्या आया 3,
आ गया। अगर एल का वैल्यू 3 आया तो क्या होगा, एल का वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 है तो एस पी डी, 3 है मतलब एफ टर्म ले लेंगे, ठीक है। अब निकालते हैं जे वैल्यू, ठीक है, जिसमें एल प्लस एस लेते हैं कहां तक, एल माइनस एल तक, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, एल प्लस एस से एल माइनस एस तक, ठीक है। तो एल का वैल्यू कितना है, 3 है, एस का वैल्यू कितना है, 3/2, ठीक है, ये कहां तक, 3 - 3/2 तक, ये कितना हो जाएगा, 9/2, और ये कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है, ये हो गया 9/2, ये इधर हो गया 3/2, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, अगर हाफ फील्डर से कम है, हाफ फील्डर से ज्यादा है वाला बात रखा था, हाफ फील्डर से अगर कम है तो इसको लेते ज्यादा, तो इसको ले लेंगे, अभी ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा तो इसको ले लेंगे, ठीक है। तो इसका टर्म क्या बन जाएगा, यहां पे बना रहा हूं भाई इसका टर्म, ठीक है, एल का वैल्यू कितना है, एफ आ गया सिंबल, ठीक है, जे का वैल्यू ले लेंगे 9/2, ठीक है, और एस का वैल्यू कितना आएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे आएगा भाई, यहां से निकाल लेंगे ना, ठीक है, क्या है, 2s + 1, इसमें एस का वैल्यू रख दो, 2 × 3/2 + 1, ठीक है, तो दो दो कट गया, आगे कितना, 4, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 4, ठीक है, ये हो गया अपना ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, अब मैं बहुत सारे एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है, इतना एग्जांपल करके देखिए, के बाद देखेंगे पॉसिबल टर्म सिंबल और पॉसिबल इस का वैल्यू, पॉसिबल एल का वैल्यू, ठीक है, और पॉसिबल टर्म सिंबल देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखें, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।